चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज फिर से नया सवाल लेकर स्टार्ट करते हैं। 1 से 20 तक सवाल आप लोगों को दो भाग में बांटते हैं, 1 से 10 तक और 1 से 10, 11 से 20 तक। 1 से 10 तक का सवाल जो है ऐसा बिहार संकेत चैनल पर अपलोड किया जाएगा और 11 से 20 तक मास्टर अमित कुमार चैनल पर। आप सभी को रोज 20 सवाल का जवाब देना है और लगातार 30 दिनों तक देना है। तो उसके बाद आपको भी मिलेगा ₹5,000 का इनाम। तो लगातार मेहनत करते रहिए, आपको भी इनाम अवश्य मिलेगा। तो चलिए सवाल लेते हैं। सवाल नंबर एक है कि गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? कब कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 26 जनवरी, 26 जनवरी। बी में है 15 अगस्त, 15 अगस्त। सी में है 12 जनवरी, 12 जनवरी। और डी में है 14 जनवरी, 14 जनवरी। ठीक है, और सवाल नंबर दो लेते हैं कि युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, युवा दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 12 जनवरी, 12 जनवरी। बी में है 14 जनवरी, 14 जनवरी। और सी में है 26 जनवरी, 26 जनवरी। और डी में है कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब अगला सवाल लेते हैं। दो सवाल हो गया, अगला सवाल नंबर तीन लेते हैं। इससे पहले इसको हम मिटा देते हैं। सवाल नंबर तीन है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ठीक है, ए में है 15 अप्रैल, 15 अप्रैल। बी में है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल। सी में है 8 अप्रैल, 8 अप्रैल। और डी में है कोई नहीं। ठीक है, डी में क्या है? कोई नहीं। ठीक, अब सवाल चार है मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? आपको ऑप्शन है ए नंबर 1 अप्रैल, 1 अप्रैल। बी में है 1 मई, 1 मई। और सी में है 2 मई, 2 मई। और डी में है नॉट, मतलब कोई नहीं। ठीक है, मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन है, अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। बी में है 5 सितंबर, 5 सितंबर। ठीक है,
और सी में है 14 नवंबर, 14 नवंबर, ठीक। उसके बाद डी में है कोई नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 6 है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 14 सितंबर, 14 सितंबर, ठीक है। बी में है 14 नवंबर, 14 नवंबर, और सी में है 12 अगस्त, 12 अगस्त, और डी में है एन ओ टी, मतलब कोई नहीं, नॉट, ठीक है। अब सवाल नंबर, हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर है, सवाल नंबर 7 लेते हैं, सवाल नंबर 7 लेते हैं। सवाल नंबर 7 है कि, सवाल नंबर 7 लेते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि गणतंत्र दिवस कब, बोले कि स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है आपको, ए 15 अगस्त, 15 अगस्त, बी में है 14 अगस्त, 14 अगस्त, ठीक है। सी में है 12 अगस्त, 12 अगस्त, और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। डी में क्या है, इनमें से कोई नहीं। और सवाल नंबर 8 लेते हैं, सवाल नंबर 8 में है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपको है ए नंबर में 14 अगस्त, 14 अगस्त, ठीक है। बी में है 14 सितंबर, 14 सितंबर, बी में 14 सितंबर, सी में 12 सितंबर, 12 सितंबर, ठीक है। डी में है एन ओ टी, एन ओ टी नोट यानी कोई नहीं, ठीक है। सवाल नंबर 8 तक पहुंच गए हैं, और सवाल नंबर 9 और 10 लेते हैं, सवाल नंबर 9 और 10 लेते हैं। पहले इसको एक बार बढ़िया से साफ कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो बढ़िया से नहीं चलेगा। सवाल नंबर 9 है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय प्रवास दिवस, भारतीय प्रवास दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है। आपको ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 9 अगस्त, 9 अगस्त, बी है 9 जनवरी, 9 जनवरी, सी में है 12 जनवरी, ठीक है, और डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और सवाल नंबर 10 लेते हैं, सवाल नंबर 10 कहता है गांधी जयंती कब मनाया जाता है, गांधी जयंती कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ठीक है। गांधी जयंती कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर,
बी में है 3 अक्टूबर, ठीक है, और सी में है 30 जनवरी, 30 जनवरी, और डी में है 14 जनवरी, ठीक है, डी में है 14 जनवरी। अब सवाल का जवाब देते रहिए और लगातार देते रहिए, उसके बाद सवाल नंबर हम 11 पर लेके चलते हैं अगला में।